हथियार भर्ती की आज की बड़ी खबर, खुशखबरी, जियो लिस्ट आज जारी। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि लगातार अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि दो जो डेट दी गई थी उनमें सूची जारी होनी थी आरक्षण मुद्दे की लेकर फोर्थ काउंसलिंग को भर्ती की, बट अभी तक वो नहीं हो पाई है, तो आज देर शाम तक वो लिस्ट जारी हो जाएगी और कार्मिक विभाग की वजह से भी उनको नोटिस जारी हो गया है, मिल चुका है। तो कार्मिक विभाग की एनओसी नियमावली के पूर्ण आदेश के बाद पत्रावली पहुंची। बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी पत्रावली लेकर पहुंच रहे हैं एनआईसी को। तो जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं वो एनआईसी को जितने भी डाटा था अंतर शिक्षक भर्ती परीक्षा का, चाहे फर्स्ट लिस्ट हो, सेकेंड लिस्ट हो और या थर्ड लिस्ट हो, सबका डाटा लेके पहुँच रहे हैं और वेरीफाई करा रहे हैं कि जो नियमानुसार जो आरक्षण है उस इसके हिसाब से जो 6000 की लिस्ट आनी है वो आए पूर्णतः, जिससे कि कोई भी विवाद उसमें फिर से उत्पन्न ना हो। और जो सचिव के द्वारा बताया गया है वो कि आज देर शाम तक जो हर हाल में सूची जारी हो जाएगी। काउंसलिंग शेड्यूल और नियुक्ति पत्र की तिथि अलग से जारी होगी, आज सिर्फ फोर्थ काउंसलिंग आएगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि काउंसलिंग सर कब होगी, तो काउंसलिंग के लिए कोई अभ्यर्थी परेशान ना हो, जैसे ही लिस्ट आएगी तो लिस्ट के जस्ट पहले या बाद में आप लोगों को एक विज्ञप्ति जारी होगी, उस विज्ञप्ति में आपका काउंसलिंग शेड्यूल लिखा होगा। लेकिन ये उम्मीद है कि लिस्ट जारी होने के बाद में एक या दो दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो की जाएगी। अगर होता है तो ये आचार संहिता से पहले ही ये प्रक्रिया काउंसलिंग वाली आपकी पूर्ण हो सकती है और इस पर आचार संहिता का ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भर्ती जो है बहुत पुरानी भर्ती है, 3 साल से लगभग चल रही है लेकिन अभी तक इसमें कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से आप कोई परेशान ना हो और जल्दी आप लोगों जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी काउंसलिंग वगैरह की तो हम अपने इसी चैनल पर आप लोगों को सारी जानकारी दे देंगे। दूसरी बात बता दूँ मैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ भी आप लोगों को बता देंगे और जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र और ये चीज़ें दोनों अपना देख लें, जो कि डेट पहले में जो डेट इशू हुई थी थर्ड लिस्ट के लिए उसी डेटों के फॉर्म के आसपास की फॉर्म भरने से पहले के होने चाहिए तो कोई समस्या नहीं होगी। बात ड्राफ्ट के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ड्राफ्ट आप लोगों का अगर बाद में ही बन जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में जमा कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों का जो एफिडेविट है, एफिडेविट भी वहीं जहां काउंसलिंग होगी वहीं बन जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी डिटेल बता देंगे काउंसलिंग में क्या क्या जरूरत पड़ती है, सारी चैनल बताते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का चांस है कि आप लोगों की लिस्ट जारी हो, तो लिस्ट जारी होगी जल्दी ही और आप लोगों को सारी अपडेट दे दी जाएगी इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक से ज़्यादा कर दें जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक, गुड बाय।